हर रोज की तरह आज भी भारत में एक नई सुबह हो गई है। कहीं देश का किसान अपने खेतों में काम करने पहुंच गया है, तो कहीं पंछी खाने की तलाश में निकल पड़े हैं, और कहीं बच्चे अपनी मस्ती में धुन है। प्रतीक भी अपनी साइकिल पर सवार होकर इस अद्भुत भारतवर्ष की खोज में मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में भीलाला राठवा इन आदिवासियों के गांव जाकर वे कुछ ढूंढ रहे हैं। पिठोरा चित्रशैलीच्या शोधात मी इकडे गावागावामध्ये फिरतोय। आताच एक बातमी मिळाली की इथे एका घरामध्ये ती चित्रकला काढली आहे, तर आपण पाहूया कोणतं घर आहे का, शोध घेतोय। भारत सदियों से अपनी कोख में अनेक प्राचीनतम कलाओं को समेटे हुआ है। प्राचीन लोक कला आदिवासी कला भारत की एक अमूल्य धरोहर रही है। ऐसी ही एक अमूल्य धरोहर है पिठोरा चित्रकला। आइए आज इसके बारे में हम जान लेते हैं। सुख दुख हो पिठरा कहीं अपन सोवर न पड़ता सोवरीन कहीं करे ते निपणू पड़े ना निपिन फिर तेन निपिन गायण करता गायन गाता गायन गावी आखिरत गायन गाता फिर वहाणाम सोवर में तेन आज दिन में पछा तेन इन पान ने पहला चित्रा पान ने चित्रा पान ने ते पहला ये 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 पहला पड़ता चौवक पड़ता ये चौक पड़े ऊपर वाली ये वाली पहले ये पहले ऊपर पड़ता है तेन ये काठिया पड़ता है ये पर काठियो ये काठिया का तेरे से ये पड़ता है तेन ये दो ये पिठेरा का ये पड़ता है। फर्स्ट दिन इनका एक निपाय होता है ना, दीवार पे प्लास्टर टाइप का होता है, वो गोबर या ये मिट्टी के उससे निपाय जाता है। उसके बाद में दो दिन का इन्होंने जैसे बताया है कि इसका गायना करते हैं, है ना, जैसे सारे आप इसके सामने देख रहे हो चित्रकला बनी है। इस चित्रकला को बना कर यहाँ पे सारे जो पूजा पाठ की गई है ना, इसमें टीके वगैरह लगाए, इसको पूरा बनाने के बाद इसकी पूरी अच्छी तरह से इसकी पूजा पाठ करते हैं और उसके बारे में गायना करते हैं। इसके हमारी जो भाषा है आदिवासी संस्कृति में गायना बोलते हैं, मतलब गायना कहने का मतलब जो हाक वगैरह छोटी सी रहती है ना उससे बजा के ने पूरा इसका क्रियाक्रम करते हैं। जीव जंतु से लेकर सारे को एक एक को वो बुलाते हैं इस पे कि आपके हाँ पेंटिंग में सारे को लगा के उनको पूरा सारा जो कार्यक्रम होता है पूजा पाठ करते हैं। आप जो दिख रहे हैं नीचे ये टीका टीला होता है ना, यहाँ पे भी लगा है। इसके बाद यहाँ पे जो फल फ्रूट है ना, जो नई फसल आई है ना, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, भुट्टा हो गया, इसको यहाँ पे रखते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो भी इन्होंने पिठोरा बाबा के बारे में मन्नत या जो भी ले रखी है ना सुख दुख के ऊपर, तो इनका एक वो रहता है, वार्षिक रहता है या 5 साल में, तो इनका एक बाबा है, इनको पिठोरा बाबा को मतलब भूख के टाइम में देना पड़ता है, जैसे बकरा प्रसाद, हाँ प्रसाद के टाइम में बकरा मारते हैं। हमारे जो रीति रिवाज में शुरू से देते आए तो बकरा मारते हैं। कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी होता है कि मुर्गे में से भी चल जाता है जो छोटा, हाँ, वो करते वो है ना, तो ये बड़ा है जो आप देख रहे हो उसमें बकरे का कार्यक्रम रखते और अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पे पधारते और इस कार्यक्रम को सफल बनाते। यहाँ मेरी मुलाकात नवल भाई से हुई, जिन्होंने गाइड बनकर मेरी बहुत सहायता की। मेरी साइकिल उन्होंने अपने घर रखकर वे खुद मुझे हर जगह ले गए। हम जहाँ जा रहे थे वहाँ जाते जाते अंधेरा हो रहा था और रास्ता भी बहुत कठिन था।
आम्हाला त्या प्रोग्रामाच्या ठिकाणी पोहोचायला भयंकर उशीर झाला आहे आणि आमची गाडी पण पंक्चर झाली आहे. तर असे रस्ते की तिथून आपल्याला काहीच कळत नाहीत की नेमकं कुठे चाललं आहे. आणि हा आता ह्या अंधारातून रस्ता काढत काढत आम्ही कसं तरी त्या गाडी तिथे आधीच सोडली आम्ही अलीकडे आणि अंधारातून चाललो आहे. काहीच दिसत नाही आहे आता चाललो आहे. यहाँ बिजली नहीं थी तो कल रात में कुछ देख नहीं पाया, लेकिन सुबह देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे था. यहाँ मैं जिंदा दिल लोगों से मिला, उनके अनोखे घर देखे, तौर तरीके देखे और फिर हम आगे की सफर पर निकल पड़े. और एक पिठोरा देखने जा रहे हैं हम लोग जो कि ताज़ा है, मतलब कल रात ही उन्होंने यहाँ पे पेंटिंग की है. ऐसा होता है जैसा हम खेती बाड़ी के हिसाब से खाते हैं. हाँ. क्योंकि जैसा हम लोंग डूडन वाड़ी कहते हैं, मतलब जो हम जो कमाई करते हैं ना उसमें हम उस हिसाब से ये चीज करते हैं. धरती के गाना गाएंगे हम धरती उस हिसाब से हम ये परंपरा रखी है जो हमारा बाप दादा पर दादा जैसे करते आए हैं. तो इस चीज करने से हमारा अनाज ज्यादा पकता है. हाँ. और घर में सूखी रहते हैं, उसमें शांति भी मिलती है. उसके लिए जैसा 10 साल में 8 साल में हम बड़ा मेला करते हैं. हाँ. और हर साल में जो इस समय जो है ना उसमें हम लोग ऐसे छोटे ऐसे मतलब ऐसे एक दिन के लिए करते हैं, पर बड़ा मेला 8 साल में करते हैं और जैसा 10 साल में भी करते हैं. हाँ. और ज़्यादा भी समय हो जाता है जैसा अपना घर में अच्छा होना चाहिए उस हिसाब से. हाँ, उस हिसाब से गाना हम इसी हिसाब से उस बनाते से बनाए हैं. जैसे बनाते हैं हम जैसा खेतीबाड़ी के हिसाब से बनाया नहीं उसी हिसाब से खेतीबाड़ी का गाना के भी गाते हैं. जैसा सीव सेठ अपना गांव का जो सीव आती है ना उसके नाम से भी गाते हैं. मुल्ला कैसा ऐसा अपन मुल्ला की वजह से और दादा रहता उनका नाम लेके भी गाते हैं. जो अपना जो देव बना रखते उसका भी नाम लेते हैं. कोई अपना देवी देवता गाँव में रहता उसका भी नाम लेते हैं. ऐसा उसके हिसाब से हम गाना बनाते हैं. अच्छा. यह हमारी रीति रिवाज है जो हमारा और दादा ने बना रखी उस पर हमारा घर में सुख शांति हो जाती है. हम बड़ा मेला करते. हाँ. और काई वो हमारा घर में बीमार नहीं चलती और गाय को अपना सुख अच्छा ठीक रहता उस हिसाब से हम ये गाना गाते और मेला करते इसे रंग करते.
कट्टीवाड़ा जायला निघालो अलिराजपुर वरून आणि गुगल मॅपच्या भरोशात अशा ठिकाणी अडकलोय. इथे रस्ता पूर्ण पाण्याखाली गेला, नदीखाली. कसं जायचं कळत नाही. सायकल घेऊन जर पुढे गेलो मे बी बॅग पाण्यात भिजतील. लॅपटॉप आहे मध्ये. पिठोरा चित्रशैली कला से ज्यादा एक अनुष्ठान की तरह है. यह पिठोरा चित्र बाबा पिठोरा देव को समर्पित किया जाता है. पिठोरा के चित्रकार को लखारा या लखिंदर कहा जाता है और जो इसका अनुष्ठान पूर्ण करता है उसे बड़वा या पुजारा कहा जाता है. इस चित्र में सभी जीव जंतुओं की आकृतियां होती है, साथ में मुख्य देव पिठोरा बाबा, पंखा लिए पिठोरा रानी, गांव देव, बाबा गणेश हुक्का लिए, रानी काजल कंघी लिए होती है और पूर्वज घुड़सवारियों के रूप में दर्शाए जाते हैं. लखारी चोखारी जो कर्मों का हिसाब रखते हैं वह भी होते हैं और एक दिलचस्प आकृति होती है बार माथा धनी. कभी इसके 12 सिर दर्शाते हैं तो कभी 10 सिर दर्शा के इसे रावण कहा जाता है जो इनमें उच्च स्थान पर है. इस चित्र शैली में रोजमर्रा के जिंदगी के कई दृश्य होते हैं, जैसे प्रेमी युगुल, शिकारी, मदिरापान आदि. पिठोरा चित्रकला आदिवासी जीवन का संपूर्ण दर्शन ही होती है, जिसे देख के आदिवासी जीवन एवं सभ्यता को जाना जा सकता है. महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार पासून ते आता गुजरातपर्यंत पूर्ण आदिवासी भागातून फिरलो आणि आदिवासी संस्कृती ही खूप जवळून पाहिली, जवळून अनुभव घेतला तिचा, त्यांच्या कलेचा, त्यांच्या परंपरेंचा, त्यांचे उत्सव. आणि मी ज्या भागातून आलो त्या भागात आदिवासी लोक बिलकुल राहत नाहीत, म्हणजे मराठवाडा. त्यामुळे एक माझी वेगळी धारणा होती आदिवासी लोकांबद्दल, किंवा माझ्या भागातल्या लोकांच्या आदिवासींबद्दल खूप वेगळी धारणा आहे. पण इथे आल्यानंतर कळलं यार हे लोक, ह्यांची संस्कृती खूप वैभवशाली आहे, वेगळीच लोक आहेत. जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये कला दडलेली आहे. म्हणजे साधं घर सारवतील तर त्यातही कलात्मक पद्धतीनं त्याला सारवतील. पाणी भरायची चुंबळ तीही एवढ्या कलात्मक पद्धतीनं बनवतात. अशा कित्येक गोष्टी आहेत. आपल्या इकडे बऱ्याच ठिकाणी सुशिक्षित लोक पण घरात कलाकृती लावत नाहीत, म्हणजे ते सांस्कृतिक मूल्यच बऱ्याच लोकांना त्याचं माहीत नसतं. पण इकडे ह्या लोकांच्या झोपड्यांमध्ये पण भिंतीवर चित्रं काढलेली असतात. म्हणजे एवढे हे कलेशी एकरूप झालेले आहेत, निसर्गाशी एकरूप झालेले आहेत, प्रकृतीपूजक आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या त्या चित्रांमध्ये प्रत्येक जीवजंतू असतो.